नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हुए शामिल। एक दिन चला मोदी कैबिनेट का विस्तार, अब 8 जुलाई की सुबह हो सकता है। देहरादून में विभागों के बंटवारे का काम जारी, आज कई और मंत्रियों को मिल सकते हैं विभाग। रामनगर में पहली बार दिखाई दी दुर्लभ सफेद बुलबुल, कॉर्बेट प्रशासन करेगा दुर्लभ बुलबुल का अध्ययन। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, पहाड़ी क्षेत्र में छाए रहेंगे हल्के बादल। करते शुरुआत पहाड़ समाचार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महत्वपूर्ण विभागों का जमावड़ा अपने पास रखेंगे, यानी कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ साझा करेंगे। इसे लेकर होमवर्क शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने कम प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए साथी मंत्रियों को अधिक विभाग सौंप कर उनसे ज्यादा काम लेने की रणनीति अपना सकते हैं। विभागों के बंटवारे की कसरत सोमवार को पूरी नहीं हो सकी, अब मंगलवार को मंत्रियों को विभाग मिलने की उम्मीद है। धामी से पहले दोनों मुख्यमंत्रियों त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे थे। दरअसल प्रदेश में कोरोना संकट के दौर के बीच महज 6 महीनों में विकास कार्यों को तेज करने की चुनौती है। सरकार में बदलाव के जरिए आम जनता में जगाई गई उम्मीदों को जल्द मूर्त रूप से देना होगा। इसके लिए महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फॉर्मूले की समीक्षा होगी। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या लगता है कौन से महत्वपूर्ण विभाग किन्हें दिए जाएंगे, और धामी जिस तरह से सामने आ रहा है कि ज्यादा अभी युवा नेता है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या लगता है वो अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वो मंत्रियों को सौंप देंगे? जिस तरीके से कहीं ना कहीं युवा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं हमारे उत्तराखंड को, से देखते हुए जो है सभी विभागों का बंटवारा शुरू होने की बात हो चुकी है। अधिकतर मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि सारे जो अभी अनुभव की कमी है उन्हें थोड़ी, तो इसके चक्कर से उन्होंने जो है अपने जो ये क्षेत्र जो अपने विभाग है वो बांटने की शुरुआत प्रक्रिया कर दी है। सोमवार तक उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं पाई, मंगलवार तक मतलब आज के दिन जो है आज कहीं ना कहीं फैसला निकल जाएगा कि कौन सा विभाग किसको मिलेगा। जहां तक का सवाल कहा गया है तो वहां तक देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने पास 3 से 4 विभाग रहेंगे, इससे ज्यादा सारे बंटवारे में बांट दिए जाएंगे, जिससे की 6 महीने में जो प्रकरण बचा है इसमें ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड का विकास किया जाए। जिस तरीके से पिछली बार तक जो विकास रुक रहा था, कहीं ना कहीं धामी अब युवा नेता है, सबकी उम्मीदें धामी जी से लगी है, और कहीं ना कहीं देखते दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो विभाग का बंटवारा करते हैं। जी जी शुभम, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा तीरथ सिंह रावत का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, हालांकि इसी के चलते उन्हें कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, तो कोरोना संकट के बीच अब महज 6 महीने ही बचे हैं और इस पर जिम्मेदारी काफी अहम आ जाती है धामी के ऊपर कि हर चीजों को सही करके चले, क्योंकि चुनाव नजदीक है। जी बिल्कुल, बता दो आपको जिस तरीके तीसरी लहर की बात भी आ रही है, और कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग हर वक्त जो है पिछड़ता हुआ दिखाई गया था दूसरी लहर में, जिस तरीके से अब तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो धामी इस पर काफी सख्ती बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं अब उनके पास सबसे अनुभवी जो नेता होंगे उनके पास स्वास्थ्य विभाग दिया जाएगा। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड की स्थिति इस समय स्वास्थ्य विभाग की चरमराई हुई है, उसे देखते हुए तीसरी लहर का आना जो है खतरे की घंटी बन सकती है, सबसे पहले धामी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ देखना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से तीरथ सिंह रावत का कहीं ना कहीं प्रदर्शन उतना खरा नहीं उतरा, अब धामी को जिम्मेदारी दी गई है, पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बनाए गए, जिम्मेदारी अहम है कई चीजों को लेकर, क्योंकि 2022 में चुनाव नजदीक है और लगातार भाजपा बढ़त बनाने की कोशिश के लिए तमाम वो हर कोशिश कर रही है, चाहे वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना हो या फिर मुख्यमंत्री बदलना हो, हर वो मुमकिन कोशिश जारी है जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता को वोट बैंक को साधा जा सके। तो देखना अहम होगा कि पुष्कर सिंह धामी अब कौन से बड़े मंत्रिमंडल किसे सौंप सकते हैं, कौन से बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं मंत्रियों को, और खुद के लिए वो कौन सी जिम्मेदारियां रखेंगे और किस तरह से
बचे हुए शेष छह महीनों में वो जनता का विश्वास जीत पाएंगे। तो प्रदेश के चार जिलों में मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। आने वाले 24 घंटे में देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपद में कहीं ना कहीं एक से दो दौर की बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी चमकने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्र में हल्के बादल छाए रहने व कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। प्रदेश के मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। रविवार रात को देहरादून और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं रात्रि 2 बजे करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। इस दौरान 65.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हरिद्वार में इस दौरान 16.4 मिलीमीटर बारिश हुई। देर रात हुई बारिश के बाद सोमवार दोपहर 12 बजे से तेज धूप खिली रही। इस दौरान दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी कि 64.5 रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 20.5 रिकॉर्ड किया गया। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, मैं आपसे आना चाहूंगी, क्या मौसम विभाग की तरफ से अभी कौन सा अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून पूरी तरह से केवल चार जिले ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में सक्रिय होगा और जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ अगर गौर करें तो जिस तरह से उत्तराखंड का एक में जो मौसम का जो माहौल बन चुका है, जिस तरह से बादल छाए हुए हैं वहां पर लगातार देहरादून और आसपास के इलाकों में जो मौसम है पिछले एक पखवाड़े से बहुत ही अजीबोगरीब रंग दिखा रहा है। सोमवार की अगर बात करें तो यहाँ पर राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई थी, वहीं दिन भर जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा था। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री के करीब पहुंचने से लोग गर्मी से बेहाल थे, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड का माहौल है और अभी हाल ही में चमोली में घटना घटी थी जो कि ग्लेशियर गिरने से वहां का बांध जो था वो टूट गया था, जिसके कारण बहुत लोग आहत हुए थे, हताहत हुए थे, जिसको लेकर मौसम विभाग का भी सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो मलबा ढहता है या फिर पेड़ गिर जाते हैं तो इससे आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से चमोली की घटना के बाद से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और वहाँ का एक माहौल जो बना हुआ है पूरा मौसम का, लगातार चार जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने हालांकि पूरे प्रदेश को चेतावनी दी हुई है कि प्रदेश में जमकर पानी बरसेगा, तेज बारिश की संभावना है, तेज हवाएं चलने की संभावना है। और वहीं चार जिलों को लेकर मौसम विभाग का यह मानना है कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। उधर राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो पिछले एक सप्ताह से लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं, समय समय पर बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, पहले भी जताई जा चुकी थी। लेकिन जिस तरह से टनकपुर और डीडीहाट में बादल छाए हैं और बात करें पंतनगर की, बाजपुर की, रुद्रपुर की या बागेश्वर की, हल्की फुल्की धूप निकली है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर भी चेताया है कि कहीं भी जोरदार बारिश हो सकती है और ये जो चार जिले हैं उनको सख्त अलर्ट कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि चमोली की इतनी बड़ी आपदा झेलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है और लोगों को भी सतर्क रहने की संभावना चेतावनी दे रहा है लगातार। ऐसी सूरत में लोगों को भी चाहिए कि वहां पर अलर्ट रहें, क्योंकि मौसम है, बादल छाए हुए हैं, लगातार एक जो चक्रवात बना हुआ है वो उत्तराखंड के ऊपर लगातार मौसम चेता रहा है। मौसम का अनुमान लगाना थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि कभी बारिश कभी धूप, कोई अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इसको लेकर बारिश की जिस तरह से संभावना बनी हुई है और कई इलाकों में बारिश हुई भी, उसके बाद धूप निकली, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं जिसमें अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि कब बारिश हो जाए और कब मौसम बदल जाए। तो इसको लेकर हाई अलर्ट लोगों को किया गया है कि बारिश हो सकती है और तेज बारिश हो सकती है, तो इसके लिए अलर्ट रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर बारिश के चलते मलबा ढह जाता है और कभी पेड़ गिर जाते हैं, जिससे भारी समस्याओं का आम जनमानस को सहना पड़ता है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान की रफ्तार जरूर धीमी पड़ी है, पर इस टीकाकरण वैक्सीन की कम पड़ने लगी है रफ्तार, जिसके चलते देहरादून जनपद में एक बार फिर वैक्सीन का टोटा हो गया है। यहाँ कोविशील्ड की 8 जबकि कोवैक्सीन की करीब 12,000 की खुराक बची है। ऐसे में 45 साल से अधिक के व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली खुराक लगनी बंद हो गई है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण केंद्र भी कम कर दिए गए हैं। बता दें कि टीकाकरण अभियान में पिछले कुछ वक्त से तेजी आई थी। सोमवार को भी पिछले जिले में 12,383 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। समस्या ये है कि कोविशील्ड की पहली खुराक लगा चुके काफी लोग भी अब दूसरी खुराक के लिए जरूरी 84 दिन की बाध्यता पूरी कर चुके हैं। ऐसे में दूसरी खुराक का दबाव भी खासा पड़ गया है। वही एक बार फिर हमारे साथ
संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, मैं आपसे आना चाहूंगी, वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, वैक्सीन की कमी लगातार यहाँ पर होती जा रही है। अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो जो 18 प्लस वर्ग के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन अब लग पाना मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत कम डोज, 12,000 करीब डोज इनके पास बचे हुए हैं। और जिस तरह से बात की जा रही थी कि पूरे प्रदेश में वैक्सीन को जो केंद्र सरकार ने दी थी उसके बाद इन्होंने कहा था कि आगे की जो इंतजाम है वो राज्य सरकार को करना है, और राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को जो अग्रिम भुगतान किया जाना है वो कर भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यहाँ पर वैक्सीन का जो है इंतजाम नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण टीकाकरण यहाँ पर जो है रोका जाएगा। जो वैक्सीन लोगों को लगनी थी वो रोक दी जाएगी। ऐसी हालात जो बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 12,000 मात्र वैक्सीन है, इतनी सारी जनता है, आखिर सरकार किन किन इलाकों में प्राथमिकता देगी? अगर एक को प्राथमिकता देगी तो दूसरा इलाका खपा होगा, तो जाहिर सी बात है लोग भी इस वैक्सीन अभियान में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि ये इंतजाम पहले से करे। अगर दूसरी तरफ बात करें तो सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को जो अग्रिम भुगतान किया जाना था वो कर दिया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा उनको अभी तक वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई है। यही एक बड़ा कारण है कि अब इन लोगों का जो टीकाकरण अभियान जो लगातार वैक्सीन की जो डोज लग रही है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात की जा रही है कि बहुत तेजी से कोरोना पर काबू पाया गया है, लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण माना जा रहा था कि कोरोना पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो सूरत हालात है इस वक्त, वैक्सीन के खत्म होने से लोग हताश तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि आखिर सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी तक माल की डिलीवरी क्यों नहीं दी है। तो सरकार को भी चाहिए कि इस प्रकार से प्रेशर बनाए, चर्चा करें उनसे, जिससे कि जल्द से जल्द कोवैक्सीन उनको, जो वैक्सीन के डोज है उनको मिल सके, ताकि लोगों को समय से वैक्सीन लग सके। जी, वैक्सीन की कमी के चलते कितने सेंटर्स अभी तक बंद हो चुके हैं? देखिए, अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो काफी सेंटर ऐसे हैं जहां पर अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है। लोग आए लेकिन बैरंग वापस लौट गए, उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई है। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि वैक्सीन की पहले तो ये बहाना बनाया गया कि वैक्सीन समय से पहुंच नहीं पाई है, लेकिन जब बाद में मामला खुलकर सामने आया तो ये बात सामने निकल कर आई है कि वैक्सीन के 1,54,00,000 जो डोज थे वो पहले आ चुके थे, लेकिन जब ये डोज खत्म होने लगे थे उस समय उसके पहले ही सरकार ने अग्रिम भुगतान कर दिया था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं जो एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई हुई है वैक्सीन का पहुंचाने की, लाने की, उन्होंने ये माल अभी तक वहां पर पहुंचाया नहीं है। यही एक बड़ा कारण है कि जो वैक्सीन की डोज है वहां पर कम पड़ रही है, और हो सकता है कि अभी कुछ इलाकों में ये ब्रेक हुआ है, हो सकता है पूरे उत्तराखंड में भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि 12,000 डोज बहुत कम बस्ती जो मात्र आधे दिन में लोगों को लग जाया करती है, तो इस हिसाब से ये जो वैक्सीन की डोज लगना है ये ब्रेक हो सकती है। 84 दिन का समय सीमित किया गया है, उसके बीच में दूसरी खुराक लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन इसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हालांकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कमी आ रही है या फिर सरकार की कमी है, इसके बावजूद भी लेकिन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जो हमारी शील्ड है वो वैक्सीन है, और वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर उसमें ही कमी आएगी तो तीसरी लहर को लेकर वैसे ही चिंता है, और लगातार नैनीताल हाईकोर्ट भी चेता रहा है सरकार को कि तीसरी लहर आने की चेतावनी नहीं देगा, उसको लेकर वैक्सीन सुनिश्चित की जाए, जांचें सुनिश्चित की जाए, कंटेनमेंट जोन्स देखे जाए कि कहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद वैक्सीन की कमी एक बड़ा चिंता का विषय है। वहीं कोरोना काल के दौरान अपनल के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय में 12 लोगों की नियुक्ति की गई, जिनकी एक माह बाद ही बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी गई, जिसको लेकर उप जिला चिकित्सालय में पंडित मनीष गोयल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, और राज्य सरकार व कोविड प्रभारी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही उनकी सेवा की बहाली की मांग की गई। साथ ही ज्ञापन सीएमएस के माध्यम से सीएमओ को प्रेषित भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि एक सप्ताह में के भीतर चिकित्सा कर्मियों की मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जाएगी। हमें ये आदेश दिए गए थे कि कर्मचारियों को आप उपनल के माध्यम से कोविड केयर सेंटर के दौरान आप रख सकते हैं, तो हमने कुछ बच्चों को रखा था, और इसके लिए हमने बजट डिमांड की थी इनको वेतन देने के लिए। अब क्या हुआ, जब हमारा कोविड केयर सेंटर से हम लोग नॉर्मल मोड में आ गए हैं, जब हमने नॉर्मल ओपीडी वगैरह शुरू कर दी है, और करीब हफ्ते भर से हमारे पास, उस दौरान जब हमारे पास कोई कोविड मरीज नहीं था, कोई पेशेंट ही नहीं था, तो हफ्ते भर वेट करने के बाद हम लोगों ने नॉर्मल उसमें मोड में हमने काम करना शुरू किया, तब इन लोगों की जो सेवाएँ थी उनकी हमें ज़रूरत नहीं थी इस चिकित्सालय को, इसलिए उनको हटा दिया, इनका वेतन की प्रक्रिया।
हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले राजनीति शुरू हो गई। हरिद्वार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव अफाक अली ने स्थानीय भाजपा विधायक और स्थानीय प्रशासन पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की और कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले में कोर्ट तक ले जाएंगे। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर राव अफाक अली ने कहा कि हरिद्वार की सलेमपुर ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। विधायक के इशारे पर बीएलओ द्वारा कई मूल वोटरों के नाम हटाकर 12 से बाहर से आए लोगों के नाम जोड़े गए हैं। पार्टी का जो सपना है वो प्रधान से प्रधानमंत्री तक का, उस मिशन पे ये लोग काम कर रखे हैं। शाम दाम दंड भेद। अब मेरी जिला पंचायत सलेमपुर का नाम खत्म करके उसके दो टुकड़े करके एक का नाम भाद्राबाद कर दिया, एक का बोमला। चलो कोई बात नहीं, क्षेत्र पंचायत हमारे जो BDC हैं उनको घटा के एक को रोशनाबाद से जोड़ दिया, एक को दादूपुर से जोड़ दिया। चलो जी कोई बात नहीं, जबकि सलेमपुर के अपना में ही दो BDC हैं। अब ग्राम पंचायत के जो वार्डों का जो परिसीमन इन्होंने किया वो जो 10, 11, 12, 13 वाले थे उन्हें 4, 5, 6, 7, 8 में कर दिया और जो ये थे उन्हें वो कर दिया। अब इनका जो है वो मतदान स्थल भी बदलने का प्रयास किया जा रहा ताकि मतदान कम हो। वो दक्षिण का उत्तर में करना चाह रहे, उत्तर का दक्षिण में। जो तो वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ इंतजार जुड़ चुके हैं। इंतजार में आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की गड़बड़ी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो ये मामला है ये हरिद्वार क्षेत्र का मामला है। हरिद्वार के जो चूंकि आगामी चुनाव होना है, ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, तो जो परिसीमन है, जो वोटर लिस्ट की जो तैयारियां है वो लगातार जारी है, कराई जा रही है। तो उसी संबंध में जो कांग्रेस के हरिद्वार के जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने जो स्थानीय विधायक है उनके ऊपर भी इस संबंध में आरोप लगाया है कि जो कुछ लोग यहाँ बाहरी क्षेत्र से आकर यहाँ इस क्षेत्र में रहे हैं, दादूपुर सलेमपुर क्षेत्र का ये मामला है जहाँ लगभग 6,000 ऐसे वोट बना दिए गए हैं कि जिन लोगों को जहाँ बाहर से वो लोग आए हैं और उन्होंने अपना यहाँ इस क्षेत्र की जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन उनका जो नाम है वो जो जहाँ पे वो मूल निवासी थे जहाँ के वहां से उनका नाम विच्छेद यानी कि वोटर लिस्ट नहीं काटा गया है। तो 6,000 वोटों का जो मामला है ये इस प्रकार का मामला है कि जो स्थानीय विधायक है उनके कहने पर जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष है उन्होंने आरोप ये लगाया कि उनके कहने पर इन वोटरों को गलत तरीके से यहाँ पर बढ़ाया गया है। जी लेकिन विधायक के इशारे पर भी लगातार ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि BLO द्वारा कई मूल वोटरों के नाम हटाकर ये धांधली की गई है, तो BLO की तरफ से अभी तक कोई इस पर बयान सामने आया है या विधायक की तरफ से जिन पर आरोप लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो जो ये मामला है ये विधायक जो विधायक ये क्षेत्र विधायक इनके ऊपर आरोप लगाया गया है पूर्व जिला उपाध्यक्ष हरिद्वार की ओर से कि इनके इस आरोप पर ये इस तरह का हो रहा है। BLO जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, अभी इस तरह का कोई इन्होंने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि जो ये आरोप लगाए गए हैं और जो 6,000 वोट अवैध तरीके से गलत तरीके से यहाँ इन ग्राम पंचायतों में जोड़े गए हैं कि इनके ऊपर उनका क्या कहना है कि नहीं, कोई इस तरह का बयान जारी किया है अभी तक। जी बहुत शुक्रिया इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार पौड़ी में मनरेगा एवं विधायक निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, टाइमली पेमेंट आदि की प्रगति रिपोर्ट और विधायक निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के भुगतान किए गए कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने मनरेगा के तहत कम प्रगति वाले विकास खंड कोट एकेश्वर, कलजी खाल, रिखड़ी खाल और थली सैंड के BDO और DPO का स्पष्टीकरण तलब किया है। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई पहाड़ी वासियों को, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल उपचार के लिए अपने कंधों पर डंडी कंडी के सहारे ले जाना पड़ रहा है। पहाड़ की अलग राजधानी मिल जाने के बाद भी पहाड़ वासियों को आज भी तमाम दुश्वारियों से जूझना पड़ रहा है। बताते चले कि गैरसैंड प्रखंड का तेवा खर्क ग्रामवासी पिछले 2 सालों से लगातार सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला है। हर बार ग्रामवासियों को आश्वासन दिया जाता है और बात को टाल दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की किसी प्रकार से हमारी सुध नहीं ले रही है। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने की घोषणा की गई थी जो कि अभी तक सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है।
नमस्कार, आज हम गैरसैंण के शेरा देवाखर गांव के आसपास हैं और यहां पे जो ग्रामीणों की जो समस्या है, आज आज़ादी के भी 73 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी और उत्तराखंड की अलग राजधानी गैरसैंण के निकट ये गांव है, ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है मात्र 18 से 20 किलोमीटर के दायरे में, और यहां के ग्रामीण आज भी जो या तो बीमार हैं या गर्भवती महिलाएँ हैं उनको डंडी कंडी से भोग करके अस्पताल ले जाने के लिए आज ही मजबूर है। जबकि 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इनके यहाँ के लिए सड़क मार्ग की जो घोषणा की थी और वहाँ सर्वे भी हुई थी, और पिछले वर्ष ही जब ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, और पिछले वर्ष इन्होंने 500 मीटर के करीब अपनी सड़क खुद भी खोदी थी और लगातार यहाँ के ग्रामीण जो तेवाकर के शेरा तेवाकर के ग्रामीण ये लगातार आंदोलन करते रहे, और जब कोविड के कारण वहाँ पे जो प्रशासन इनके बीच गया, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपके सड़क मार्ग का तुरंत काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी स्थिति जस के तस बनी है। ये पहाड़वासियों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज ये शेरा तेवाखर के ही नहीं बल्कि अन्य जो पहाड़ी गांव हैं वहाँ की भी यही समस्या है, जहाँ गांव-गांव तक सड़कें नहीं पहुँची हैं। सड़कें पहुँची हैं तो जो सड़कें पहुँची भी हैं तो सड़कें बिल्कुल खस्ता हालात में हैं, बारिश के बरसात के बाद तो बिल्कुल ही सड़कें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ के जो बीमार लोग होते हैं, गर्भवती महिलाएँ होती हैं, कुर्सी डंडी और कंडी में लाद करके ग्रामीण नज़दीकी जो सड़क मोटर मार्ग होते हैं वहाँ तक ले जाते हैं और उसके बाद सरकारी अस्पतालों में उपचार मिल पाता है। इस कारण से कई जो गर्भवती महिलाएं हैं वो रास्ते में ही बच्चों को जन्म देती हैं, कई जो बीमार लोग होते हैं वो रास्तों में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के जो पहाड़वासियों की जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये अलग राज्य आंदोलन और राज्य बनने के बावजूद भी नहीं सुधरी है, जबकि गैरसैंण का क्षेत्र जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के गाँव आज भी एक अदद सड़क के लिए आज भी तरस रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण रोज पैदल आने जाने को मजबूर हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन की नज़र शीघ्र ऐसे ऐसे गाँव पे पहुँचे जहाँ के गाँव जो संचार दूर सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, उन क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए ताकि विकास की जो गति है उन क्षेत्रों में आबाद गति से पहुँचे और विकास उन गाँव में पहुँचे, वहाँ की जो स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था है वो भी सुचारू ढंग से चले। जिन क्षेत्रों में सड़क मार्ग नहीं है उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा भी प्रभावित होती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन के नज़र और दूरदृष्टि का जो इन क्षेत्रों में जाए और यहाँ सड़क मार्ग बने ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े। प्राइम टीवी के लिए गैरसैंण से सुरेंद्र नाथ की रिपोर्ट। इस खबर पर संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जो समस्याएं आपने बताई उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से आज तक जो गैरसैंण के लोग हैं वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, और तस्वीरें भी देख सकते हैं कि लगातार बीमार लोगों को कितने किलोमीटर तक इस तरह से जाना पड़ता है, और क्या समस्याएं, क्यों अभी तक अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग पा रही है इनकी समस्याओं को लेकर। जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये मात्र गैरसैंण की समस्या नहीं बल्कि जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ की, ये तमाम जो भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं ये लगभग एक जैसी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार ये तो कहती है कि हर गांव घर घर और गांव गांव सड़क पहुंचाने के दावे वादे तो करती है, लेकिन आज भी ये दावे वादे बिल्कुल भी खोखले साबित होते हैं। ये खोखले तब साबित होते हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों से कोई बीमार हो जाता है, कोई गर्भवती महिलाएं अस्पताल ले जाना होता है, तो रास्ते में ही ये कई बार दम तोड़ देते हैं और कई जो बीमार हैं वो जान भी अपने खो देते हैं। तो इस प्रकार के जो कंडीशन है, ये मालकोट काली माची सिरा सेवाखर का गैरसैंण ब्लॉक के एक क्षेत्र है, ये राजधानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है, वहाँ से मात्र ये 18 किलोमीटर की दूरी पर ये क्षेत्र है, और इसमें जो 3 ग्राम पंचायत है इसमें 6-7 जो गाँव के लोग हैं, ये इनका जो लगातार जो बरसात के बाद रास्ते खराब हो जाते हैं, हर बारिश के बाद रास्ते खराब हो जाते हैं, और यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से बाजार आ पाते हैं या बीमार जो लोग हैं उनको डंडी कंडी से लाद करके सड़क मार्ग तक लाते हैं, उसके बाद ये उपचार के लिए ले जाते हैं। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमने देखा भी और आपकी बातों को भी सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आप इस पर प्रशासन पर दबाव बनाते रही कि क्यों इनको मूलभूत जो इनकी सुविधा है सड़क की वो क्यों नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफेद मोर मिलने के बाद अब पहली बार दुर्लभ सफेद बुलबुल पक्षी भी मिला है। कॉर्बेट प्रशासन सफेद बुलबुल को लेकर अध्ययन कर रहा है, इसके बाद इसे कॉर्बेट के पक्षियों के लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। जैव विविधता से के लिहाज से समृद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वन जीव और पक्षियों की काफी मौजूदगी है, और यही वजह है कि कॉर्बेट में दुर्लभ वन जीव भी
रिपोर्ट होते रहते हैं। इस बार कॉर्बेट के डेला जोन में सफेद बुलबुल देखी गई। कॉर्बेट के गाइड सचिन सिंह ने इस बुलबुल की फोटो कैमरे में कैद की है। सचिन ने कॉर्बेट के आला अधिकारियों को बुलबुल की फोटो भेजी। पार्क निदेशक राहुल ने बताया कि कॉर्बेट में हिमालयन व रेड वेंटेड दो तरह की रंगीन बुलबुल काफी पाई जाती हैं। जो सफेद बुलबुल मिली है वो हिमालयन प्रजाति की है। ये पहली बार रिपोर्ट हुई है, इसलिए उस क्षेत्र में मौजूद सफेद बुलबुल पर अध्ययन कराया जाएगा। समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।